ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तः शान्तः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तः शान्तः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या बतला रहे हैं? जीवन मुक्त जो तत्ववेत्ता है वो किस प्रकार से इस जगत में विराजमान रहता है, किस प्रकार से उसका जो औपाधिक देह है शरीर, ये कैसे इसका निर्वाह होता है और कैसे कर्मों के जाल जंजाल से वो मुक्त हो पाता है, तो इन सब बातों का विचार कर रहे हैं। तो कर्मों के जाल से कैसे मुक्त होता है ये तो बता ही दिया है कि संचित उसके विलय हो जाते हैं और क्रियमाण बनते नहीं हैं और प्रारब्ध भोग लिया जाता है। संचित क्या हो जाते हैं? विलय हो जाते हैं। कैसे विलय हो जाते हैं? जैसे स्वप्न में किए हुए विविध कर्म जगने पर वे सब कर्म फल देने वाले नहीं होते, लेकिन स्वप्न में तो फल देते हैं। स्वप्न में किसी की हत्या हो गई आपसे तो क्या होता है? पुलिस आ जाती है, पकड़ के ले जाती है, अपराधी को दंड मिलता है, लेकिन उससे हत्या हो गई और उसी समय क्या हुआ? तो उस स्वप्न में जो कर्म हुआ है उसका फल उसको नहीं भोगना पड़ता है। तो वैसे ही अज्ञान दशा में अनंत जन्मों से जो कर्म किए थे, जो संचित भंडार पड़ा हुआ है, वे सभी कर्म क्या होते हैं? हाँ, जगने के समान, स्वप्न से जगे के समान वे सब अदृश्य हो जाते, विलय हो जाते हैं, उनकी सत्ता ही नहीं रहती। तो इस प्रकार से, और दूसरा वह जो है असंग भाव से इस जगत में विराजमान रहता है और उपाधि के साथ तादात्म्य न होने के कारण और ब्रह्मात्म भाव से ही जो निरंतर रहता है, तो उसके लिए तो कहते हैं कि ये जो प्रारब्ध की बात कह रहे हैं ना, प्रबल प्रारब्ध जो भोगना ही पड़ता है, वो प्रारब्ध की सत्ता भी उसकी दृष्टि में नहीं है। उसकी दृष्टि में प्रारब्ध की सत्ता भी नहीं है, सद्भाव भी कहना उचित नहीं है, हैं? जैसे जगने पर स्वप्न के पदार्थों की सत्ता महत्ता नहीं होती है। बताई दिया था स्वप्न के शरीर में अहमता, शरीर के संबंधियों में ममता और उपयोगी पदार्थों में इदंता। तो अहमता ममता इदंता जो स्वप्न में, स्वप्न काल में है, स्वप्न के पदार्थों में, लेकिन जगने पर न उस शरीर में अहमता होती, न शरीर के संबंधी जो भासने लगे थे उनमें ममता होती, और न
जो अनुकूल प्रतिकूल विषय वस्तु थे उनमें इदंता भी नहीं होती, सत्यत्व बुद्धि भी नहीं होती है। जैसे जगा हुआ कैसा होता है, अकेला शांत प्रसन्न, कैसा होता है अकेला, जगने पर कैसे रहते हैं, शांत प्रसन्न रहते हैं ना, आनंद में रहते हैं। तो वैसे जग गया है, क्या है, मोह निद्रा अज्ञान निद्रा का त्याग करके जग गया है परमात्म भाव में, जग गया है अविनाशी चेतन तत्व में, जग गया है ब्रह्म तत्व में। तो क्या निश्चय है, क्या अनुभूति है, अहम् ब्रह्मा इति विज्ञानात्। क्या है कि मैं क्या हूं, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा क्या है, ऐसा ज्ञान, क्या रहता है उसको, ऐसा स्वाभाविक सहज ज्ञान रहता है, अनुभव रहता है कि मैं ब्रह्म, शांत भाव से विराजमान रहता है। तो ये बात आप लोगों को बता दी है, क्या बता दी है, संचित क्रियमाण, ये दोनों होते नहीं है और प्रारब्ध भोगना पड़ता है, वो भी अज्ञानियों की बुद्धि को में व्यवस्था देने के लिए, क्या व्यवस्था देने, हाँ ये भी एक अज्ञानियों की बुद्धि का समाधान किया जा रहा है, अन्यथा उसकी दृष्टि में प्रारब्ध नाम की भी कोई वस्तु नहीं है, जिसके लिए शरीर और दृश्य सबका सब क्या है, स्वप्न ही है, शरीर दृश्य स्वप्न है। तो उस स्वप्न में होने वाली क्रिया कर्म फल वो भी क्या है, जैसे स्वप्न है तो स्वप्न में शरीर और स्वप्न का सारा दृश्य वो क्या है, मिथ्या है। तो वैसे ही जो क्रिया है जगे हुए के लिए, वैसे ही जो क्रिया है कर्म है फल है भोग है वो सब क्या है, वो मिथ्या ही होगा, वो भी मिथ्या ही है। तो उसके लिए एक अद्वितीय सच्चिदानंद ब्रह्म मैं हूं, इसके अतिरिक्त नाम रूप की सत्ता नहीं है, सत्यत्व बुद्धि नहीं है, प्रतीति मात्र है, क्या है, प्रतीति मात्र, मिथ्या ही प्रतीति है, संसारियों के समान नहीं, सत्य महत्वपूर्ण सुख रूप राग द्वेष का विषय नहीं। अज्ञान जैसे बच्चे हैं वो खिलौनों को लेकर क्या करते हैं, लड़ते हैं, और बड़े बड़े देख करके उनके इस प्रकार के आचरण को क्या करते हैं, आनंद लेते हैं, हाँ? जानते बालक बुद्धि है, क्या जानते हैं, वैसे ही संसारियों के आचरण को देख करके जो ज्ञानी है वो भी क्या है, वो भी आनंद ही लेता है, क्योंकि अज्ञानी तो सत्य मानते हैं, क्या करते हैं, सत्य मानते हैं, सार मानते हैं, और इसी में उलझ पुलझ और संग्रह विग्रह में लगे रहते हैं जीवन भर, इसी के संग्रह विग्रह में लगे रहते हैं अज्ञानी लोग। और ज्ञानी, ज्ञानी जो है निर्भय निश्चिंत रहता है, जैसा हो वैसा हो जाता है, जैसा करे वैसा कर लेता है, जैसा मिले वैसा पा लेता है, जैसा रहे वैसा रह लेता है ना, खोपड़ी में बोझा नहीं है, हाँ। जैसे अज्ञानी के तो बिल्कुल खोपड़ी नहीं है, और साधक जो है बड़ा खोपड़ी वाला है,
साधक क्या होता है? खोपड़ी वाला होता है। और ज्ञानी वो खोपड़ी को निकाल के फेंक देता है, क्या करना है? ज्ञानी के लिए फिर वो विलय हो जाते हैं ना, बुद्धि बुद्धिश्चन विचेष्टति। क्या कहा है? बुद्धि की भी चेष्टा का अभाव हो जाता है। बुद्धिश्चन विचेष्टति तमाहु परमाम गति, वही क्या है? परम गति। इसलिए तो कहे ना कि बुद्धिश्चन विचेष्टति, बुद्धि में भी चेष्टा का हाँ शांत हो जाती है। मिथ्या में क्या प्रयोजन और किसके लिए प्रयोजन? तो इसलिए बुद्धि भी क्या हो जाती है? अबुद्धि हो जाती है। चित्त भी अचित्त हो जाता है, मन भी अमन हो जाता है। मनसो अमनी भावे है? आता है ना, मनसो अमनी भावे किंचित नहीं वो उपपद्यते, ऐसे कुछ करके है शायद, मनसो अमनी भावे। तो मन क्या हो गया? ये मांडुक्यकारी का की वो है शब्दावली, जो शब्दावली हम बोल रहे हैं ना, मनसो अमनी भावे प्रपंचो नहीं वो प्रपंचो नहीं वो उपपद्यते, ऐसे करके मनसो अमनी भावे प्रपंच प्रपंच नहीं वो उपपद्यते। मन के अमनी भाव हो जाने पर तो वैसी बुद्धि क्या हो गई? अबुद्धि हो गई है ना, तो ऐसा हो जाती है। समझ आया? अज्ञानी तो मलिन बुद्धि, साधक विशुद्ध बुद्धि। साधक की क्या होती है? और ज्ञानी केवल प्रबुद्ध। क्या प्रबुद्ध? कि मैं ब्रह्म हूं बस, बाकी और ज्यादा बुद्धि की हलचल कसरत व्यायाम नहीं करता। ना बुद्धि क्यों कहेंगे? हाँ साधक ना। अच्छा जी समझ आ गया, आगे वाला बता दिया जाए। 457वां श्लोक देखिए। न तस्य मिथ्यार्थ समर्थनेच्छा न संग्रहस्तज्जगतोऽपि दृष्टः तत्रानुवृत्तिर्यदि चेन्मृषार्थे न निद्रया मुक्त इति श्यते ध्रुवम्। न तस्य मिथ्यार्थ समर्थनेच्छा न संग्रह तत् जगतः अपि दृष्टः तत्र अनुवृत्तिः यदि चेद् मृषार्थे न निद्रया मुक्तः इति इष्यते ध्रुवम्। हाँ जी, न तस्य मिथ्यार्थ समर्थनेच्छा। तस्य इसके है? जो ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठस्य, जो क्या है? जो ब्रह्मनिष्ठ है, तत्ववेत्ता है, उसके लिए कह रहे हैं मिथ्यार्थ समर्थनेच्छा न। मिथ्या अर्थ माने पदार्थ, मिथ्या पदार्थों के समर्थन की इच्छा न, कोई इच्छा नहीं होती ना समर्थन की और ना विघटन की, कोई इच्छा नहीं होती। होती है क्या? स्वप्न में इतना धन आ गया, विचार कर रहे थे कहाँ लगाए, कैसे कैसे लगाए, कैसे उपयोग करना है, नींद खुल गई तो उसके पश्चात क्या करते हैं? फिर भी हिसाब लगाते हैं कि वो जो स्वप्न में धन हमने हमारे पास आया है उससे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, ऐसा ऐसे करते हैं ना? नहीं करते पक्का?
क्यों जी डॉक्टर साहब ऐसा नहीं करते? स्वप्न में प्राप्त वस्तुओं का जगने पर क्या विचार कि उसका कहाँ संभाले, कहाँ लगाए, कहाँ इन्वेस्ट करे, ऐसा कोई विचार नहीं करते। उसी को कहते हैं मिथ्यार्थ समर्थन इच्छा तस्य न। स्वप्न के सदृश जगत के जो पदार्थ है उसके लिए क्या हो गए? मिथ्या हो गए। शरीर सहित संपूर्ण दृश्य क्या है? मिथ्या। स्वप्न प्रतीति मात्र है, आभास रूप है। एक साक्षी चेतन आत्मा ब्रह्म सच्चिदानंद अविनाशी केवल मैं सत हूं, बाकी सब क्या है? स्वप्न के समान प्रतीति मात्र है। ऐसा स्पष्ट रूप से क्या हो गया है? अनुभव में आ गया है। स्पष्ट रूप से अनुभव में आ गया, केवल माना नहीं है, केवल बुद्धि से जाना नहीं है, क्या हो गया है? स्वाभाविक रूप से आंखें खुले खुले भी, दौड़ते खाते हुए भी, चलते लेते देते हुए भी, निरंतर ये अनुभव, ये ज्ञान, ये स्मृति, ये बोध बना रहता है कि ये सब क्या है? सब मिथ्या में हो रहा है। सब किस में हो रहा है? सब मिथ्या में हो रहा है, ऐसा बोध बना रहता है। तो इसके लिए नहीं कि वही करें, रूखा ही खाए, रूखा मिले तो रूखा खाए और चुपड़ा मिले तो हाँ, तो ये भी नहीं होता आग्रह कि नहीं क्या किया जाए, रूखा ही खाए या गीला ही खाए, ऐसा आग्रह नहीं होता है। जैसा मिले हैं, रूखा सूखा चना मिले तो चना खा ले, पर मालताल मिले तो मालताल खा ले, हैं? तो उससे कोई भेद नहीं होता है। तो ये मिथ्या ही है, मिथ्या में ही सब हो रहा है, मिथ्या में मिथ्या के लिए सब कुछ मिथ्या हो रहा, सब कुछ मिथ्या व्यवहार हो रहा है। और इन सब के मिथ्यात्व को जानने वाला मैं साक्षी ब्रह्म हूं, नित्य मुक्त हूं। तो इस प्रकार उसकी मिथ्या पदार्थों को लेकर के इनके समर्थन की, सिद्ध करने की इच्छा नहीं होती है। लोग लड़ते हैं बातों को सिद्ध करने के लिए, है ना, स्वभाव बन जाता है। युद्ध में तो हारना ही नहीं, लेकिन बातों में भी नहीं हारना, जैसे माताओं का स्वभाव होता है ना, क्या स्वभाव होता है? बातों में नहीं हारना। बता था ना, एक माई थी यहाँ पर, आनंदपुरी माई, है? वो बातों में नहीं हारना, उसको बातों में हारना बिल्कुल पसंद नहीं था, वैसे हार जाए कोई बात नहीं, लेकिन बातों में नहीं हारना। घूम घूम के आती थी कहीं के बार, फिर जाती फिर आती, फिर जाती फिर आती अपनी बात को बिल्कुल, मतलब सिद्ध करना था, खूंटा गाड़ना था ना, खूंटे गाड़ी में ना काम नहीं चलता, गुजराती माई थी है? हाँ, ये बड़ा, हम बड़ा देखते रहते थे नाटक ना, क्योंकि कई लोग तो समझ गए थे, तो उनका स्वभाव था, वो जाएंगी कुछ बातें कह के गई, समझा के गई, जो उनको समझ थी, ज्ञान था, और फिर बताया कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, तो फिर घूम के सुन के फिर आती, फिर समझा के अच्छे से जाती, दूसरा ने फिर भी मान लिया है, लेकिन उनको लगता है कि शायद ढंग से नहीं माना है, तो फिर घूम के फिर आती, फिर समझाती, ठीक है, फिर भी उनको संतोष नहीं होता, कि उनको लगता था कि शायद इसने समझ नहीं आया है, फिर घूम के आती 10 कदम फिर आती, तो ये काम कितनी ही देर तक चलता था। और कभी कोई लड़ाई हो, बहस हो, उसमें हारना नहीं, ठीक है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, लेकिन क्या है, जीतना जरूरी है। यदि हार गए तो महाभारत का युद्ध हार गए हम, हस्तिनापुर चला गया हाथ से, हाँ ऐसा होता है।
उनका तो ऐसे मैंने बताया, बाकी संसारियों को भी हम ये देखते, कई बार हम बैठे होते हैं, कुछ विषय होता है, कुछ बातें होती है, उन बातों को लेकर के इतना ज्यादा दोनों का अपना अपना ये होता है कि नहीं मैं सही हूं, दूसरा है कि नहीं मैं सही हूं। अरे क्या फर्क पड़ना है भाई, क्या जी वो दुष्ट था, दूसरा कह रहा वो सज्जन था, अरे जैसा था अब नहीं है। ठीक, पहली बात तो ये था ना, है? एक कह रहा है कि रावण दुष्ट था, दूसरा कह रहा है अरे जैसा भी था, अपने क्या मतलब है, था ना, है तो नहीं, आनंद लो। पर नहीं, सिद्ध करने में लगेंगे कि रावण साधु था, दूसरे सिद्ध कर रहे क्या रावण दुष्ट था। अब बताओ कोई अर्थ है उसका, जो शिक्षा लेनी चाहिए वो शिक्षा लो। तो ऐसा बहुत चलता है संसार में, सारे यही चल रहा है, ये राजनीति, ये पत्रकारिता, इतने टीवी, इतने अखबार, है बड़ा विचित्र काम है यही नहीं, ये पांचवा वेद है, इसको पंचम वेद बोलते हैं, महात्मा लोग कहते हैं कि पंचम वेद पढ़ लिया, मतलब अखबार पढ़ लिया, हाँ सुबह सुबह अखबार पढ़ लेगा, बड़ा चस्का होता है, भोजन बाद में, जलपान आदि बाद में, पहले क्या होगा पंचम वेद पढ़े। पंचम वेद गालियों को भी बोलते हैं, और सही में महाभारत को भी पांचवा वेद कहते हैं। महाभारत 100,000 श्लोक है महाभारत में, वेद में सारे में क्या है 100,000 है, और अकेले महाभारत में कितने, तो महाभारत को पांचवा वेद बोलते हैं, पंचम वेद। और ये मजाक में व्यंग के रूप में गाली को और अखबार को कुछ लोग कली पुराण भी कहते हैं, है ना। तो क्या है वो, यही है व्यर्थ की बहस, सिद्ध करने में लगे हुए, कोई औचित्य नहीं है, समझदार है ना भाई। मान लो किसी की, मान लो किसी की, मान लो क्या फर्क पड़ता है, मान ले ना, तू मान ले, वो नहीं मान रहे तू मान ले, और ठीक है बात खत्म करो, क्यों क्यों बोलना। लेकिन ऐसी बिल्कुल तलवारें खींची रहती है, है ना, अहंकार की तलवारें भिड़ती रहते, युद्ध होता रहता है, मिलना मिलाना कुछ नहीं है, दोनों चले गए, मनमुटाव हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, भयानक क्रोध आ गया, मिलना किसी को एक कह गया बहुत अच्छा है प्रधानमंत्री, दूसरा कह रहा है कि जो अच्छा बता रहा है, गीत गा रहा है, ऐसा तो नहीं कि उसके खाते में 15,00,000 आ जाएंगे, और जो उसको गाली दे रहा है, ऐसा तो नहीं उसके घर से वो आटे का कट्टा उठा के ले जाएगा, है तुम व्यर्थ का क्या मतलब है, कोई औचित्य है। हाँ, पर दुनिया बड़ी विचित्र काम है, बताओ जो बच गया ना, वो बच गया वही उसके आनंद को जानता है कि व्यर्थ की ये बहसबाजी, व्यर्थ की तृष्णा, व्यर्थ के झगड़े, व्यर्थ का अहंकार और द्वेष, जो बच गया वही क्या है, उसकी शांति जानता कि व्यर्थ का। भाई हारने में ही लाभ है, हम देखते हैं, पहले हमें ऐसा लगता था जगत में जीत में ही लाभ है, तो जीतते रहे सदा हम, हाँ फिर हमें बहुत बाद में समझ आया कि जीतने में लाभ नहीं है, लाभ किसमें, हारने में लाभ, क्यों शत्रु मर जाता है, यदि हम जीत गए तो शत्रु खड़ा होता है, वो फिर आक्रमण करेगा, फिर आक्रमण करेगा, फिर जीवन भर सावधान रहना पड़ेगा, हार जाओ फिर क्या होगा, शत्रु को संतोष मिल जाएगा हार गया, है ना, उसके अहंकार की संतुष्टि हो गई ना, तो अब वो देखेगा तो बेचारा है, ये तो कमजोर है, ये तो गरीब है, वो कम से कम हमारे, तो शत्रु मर गया ना, तो जीत में लाभ है हार में लाभ है, ये बताओ, हारने में लाभ है, सब जगह हार जाऊं क्या जरूरत है जीतने की, जीतना चाहिए ना, हारना चाहिए, जो जीतेगा जिसको शांति चाहिए उसको हारना चाहिए, और जो जीत गया, एक बन गया प्रधानमंत्री, दो उठे थे, एक प्रधानमंत्री बना नहीं, आराम से कौन रहता है, जीत वाला आराम से रहता है, हर वाला आराम से रहता है, हर वाला ये बताओ, हार गया तो अपने घर बैठता है ना आराम से,
शांति से रहता और जीत गया तो गोली काट है, घर वालों के लिए फुर्सत नहीं, अपने लिए फुर्सत नहीं, तो जीतना दुर्भाग्य है ना, इसे जीतना कभी नहीं, जीवन में सदा हारना चाहिए, ठीक है। हाँ ये ज्ञान की बात है, हम तो सदा जीते हैं, हमने तो हारना सीखा ही नहीं था, पर अब हम सबसे हारे हुए हैं, अब हमें जीतने से कोई संबंध नहीं है, क्यों जीतना, कहाँ जीतना, किस बात के लिए जीतना, क्या जीतना, संसार मिथ्या तो फिर किससे जीतोगे, तो जीतने की जरूरत ही नहीं, हार जाओ, मिथ्या समझिए, हारना बहुत बढ़िया चीज है ना, सब तो हार चाहते ही है कि हार पहनाओ, क्या कहते हैं, हार नहीं पहनते, इसलिए तो पहनते हार, हाँ तो इसलिए हार पहना, कोई हार पहना दो हमें, तो महात्मा को तो हार ही पहनाते हैं ना, हाँ तो इसलिए ये चीज समझ लो आप लोग, ज्ञान की बात है ये भी। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं, हाँ ये मिथ्या दृश्य हो जाने के कारण से वो इनके समर्थन या सिद्ध या असिद्ध करने का प्रयास नहीं करता। हमारी जो पढ़ाई थी, ये जो पढ़ाई है हम लोगों की न्याय की है, वेदांत की, तो इसमें तो है ही सब कुछ सिद्ध करने वाला है, बहुत दांव पेच चल करके उसको वाद विवाद शास्त्रार्थ, तो उसमें क्या है, उसमें यही उसका मत का खंडन करना और स्वमत का स्थापन करना, तो उसमें तो सदा ये हम लोगों ने यही किया, स्वमत का मंडन और परमत का खंडन यही किया ना, तो खूब दांव पेच हम लोगों को आते हैं, एक एक शब्द है, तो पढ़ाई इस तरह की है ये विद्या, संस्कृत विद्या, एक एक शब्द, अब कोई स्थूल बुद्धि वाला होगा तो उसको एक शब्द दिखेगा, लेकिन जिसने ये पढ़ा हुआ है व्याकरण न्याय सांख्य योग आदि, वो तो 1000 कैमरों से देखता है उसको, उसके पास क्या है, वो एक शब्द एक ही है, तो उस शब्द को 1000 तरीके से दिखता है वो, ऐसी उसके पास वो होती है। गुरुजी अगर ये तर्क नहीं हो, ये तो चलिए व्यर्थ है, लेकिन अगर आप जैसे न्याय नहीं हो, ये तर्क नहीं हो, तो फिर हाँ वो तो बता दिया ना, ये तो सत्य नहीं, सत्य सिद्ध ऐसे ही होता है, संशय दूर ऐसे ही होता है, वो तो जरूरी है, हाँ जरूरी है, उसकी माना थोड़ा कर रहे हैं, यही तो बता रहे हैं ना, ये तो सत्य को पाने की बात है, समझने की बात है, सिद्ध करने की बात है, वो अलग विषय है, लेकिन संसार की बात है ना, तो कहने का भाव ये है कि इसमें काफी विचार हो जाता है शास्त्रार्थ का, लेकिन फिर व्यवहार में मतलब औचित्य नहीं रहता है, व्यवहार में ज्यादा हार जीत का इन बातों का कोई महत्व मूल्य न संग्रह तज्जगतो पिद्रष्टः जगतः संग्रह न तस्य दृष्टा, उसके पास संसार की वस्तुओं का संग्रह भी नहीं देखा जाता है, संसार की वस्तुओं का संग्रह भी नहीं देखा जाता है, संग्रह करते रहते हैं ना, क्या करते रहते हैं, क्या बोलते हैं, चुन वो मठ बनाया, चुन चुन पत्थर, चुन चुन पत्थर, चुन चुन पत्थर महल महल चिनाया, लोग कहे घर मेरा है, ना घर मेरा ना घर तेरा, मठ के बनाने के लिए दर दर फिरे धन मांगते, ऐसे आया ना, मठ के बनाने के लिए दर दर फिरे धन मांगते, पता नहीं है तृष्णा और अहंकार क्या क्या कराती है,
भरतरी जी कहते तृष्णे तृष्णा अधुना मुंचे माम। हाँ जी क्या कह रहे हैं आप? टीवी पे आजकल सबका ऐड ही आता है संतों का भी, इतने रुपए ऋण दो ना आप क्यों? वो भी ऐसा है देखो, वो नहीं, हम उसके लिए नहीं कहते, वो उन लोगों के द्वारा बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, चाहे पशु का है, गाय रोगी होते हैं या लोग रोगी होते हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, ठीक है। मुख्य उसका आंतरिक भाव क्या है, उसका महत्व है। और बहुत लोगों का बहुत सेवा भाव है, बहुत त्याग भाव है, बहुत ज्यादा ज्यादा, और बहुत आवश्यक है, सब आवश्यक है। देखो सात्विक कर्म जो भी है ना वो होवे, होने चाहिए, होने तो चाहिए बिल्कुल हृदय से, पर यदि दिखावे में भी होते हैं तो भी प्रभाव तो पड़ता ही है। कोई कोई भजन कर रहा है मन से कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, पर मन से नहीं भी कर रहा है ना तो भी दूसरों पर, तो सात्विक कर्म ठीक है, वो विषय नहीं है, वो तो उन लोगों की तृष्णा वालों की बात कर रहे हैं हम। तो तृष्णे अधुना मुंचे माम। और देखो एक चीज है, देने का या खिलाने का जो आनंद है ना वो अलग ही आनंद है ना। नर सेवा, नारायण सेवा, जीव सेवा, परमात्म सेवा, यही तो है। और किसको परमात्मा को भज रहे? परमात्मा तो सबके, जिसकी जो सेवा बन जाए, जो सहयोग बन जाए, इससे सुंदर बात क्या है। स्वामी विवेकानंद और बाकी संतों ने देश विदेश गए, जितना भी धन आया सबका सब क्या है, गरीबों की, रोगियों की बहुत सेवा की है। ऐसे ऐसे हैजा की बीमारी फैल जाती थी, वेदांत क्या करेगा वहां पर, है ना? रोटी की जगह तो रोटी काम आएगी, है ना? कील की जगह कील काम आएगी, सुई की जगह सुई काम आएगी। तो सबका औचित्य है, सब ठीक है, बहुत सुंदर है। इस संसार में क्या है, हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, संस्कार है, ये ज्ञान है, बहुत सुंदर है। हाँ, जो मलिनता है वो दूर होनी चाहिए। आचार विचार व्यवहार में जो मलिनता है वो क्या है, वो दूर हो, सात्विकता बनी रहनी चाहिए, अच्छी चीज है, ठीक है। चलो वो विषय हमारा नहीं है। तो ना संग्रह तज्जगतोपि दृष्टः। अब यदि किसी के पास संग्रह दिख गया वो ज्ञानी, ऐसा नहीं हम लोग ऐसा मानते थे, क्योंकि हम लोग ग्रंथ पढ़ते थे, ग्रंथ पढ़ते थे, ग्रंथ चिंतन करते थे, ग्रंथ का ही निश्चय करते थे, और ये मानते थे जिसके पास संग्रह इसका मतलब क्रोध आ गया, इसका मतलब ये, लेकिन कहाँ है ये सब, उपाधि में है ये क्रोध, ये संग्रह कहाँ है, उपाधि में, ये तो समझ में आ रहा है। तो इसलिए उसका ज्ञान अज्ञान से कोई संबंध नहीं है, कहाँ समझ पाएंगे संसारी लोग। नहीं, वो महात्मा बड़ा क्रोधी है, उसने अपमान कर दिया, ये कैसा ब्रह्म ज्ञानी है, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके लिए सब मिथ्या है, सम्मान भी और अपमान भी, सब उपाधि में, अंतःकरण में, उसके स्वरूप में नहीं। इसीलिए सुधार करो अपना और सुंदर बनो, क्या करो, अपने हृदय को बहुत सुंदर बनाओ, उसकी सुगंध किसको मिलेगी, अपने घर को साफ सुथरा रखोगे, अड़ोस पड़ोस को साफ सुथरा रखेंगे तो उसका स्वाद किसको मिलता है ना। तो वैसे अपने हृदय को निर्मल रखेंगे, राग द्वेष रहित रखेंगे, छल कपट रहित रखेंगे, तो आनंद किसको आएगा, धैर्य, संतोष, सहन शक्ति, विवेक, वैराग्य, ज्ञान, किसको आनंद है,
और जिसने अपने घर के दरवाजे पर गंदगी डाली हुई है या पड़ोस में गंदगी डाली हुई है तो दुर्गंध किसको आएगी? उसी को आएगी ना। तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जिसकी जो मर्जी डालो, दिक्कत है कहीं? कोई समस्या नहीं है भाई। जिसको अपना हृदय निर्मल बनाना हो, सात्विक बनाना हो, अच्छी बात है। नहीं बनाना हो तो भी ठीक है, क्योंकि वो सुगंध दुर्गंध आपको नहीं आनी है, वो उसी को आनी है, आपको नहीं आ सकती। हाँ, अपने घर में सफाई रखो, है ना। नारायण तू बैठ के अपना भवन बुहार, क्या बोलते हैं? नारायण तू बैठ के अपना भवन बुहार, तेरे लेखे कुछो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन बुहार। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, करने दो, क्या मतलब है, करने दो, ठीक है, खूब करो भाई। अपना हृदय निर्मल कर ले तुम, अपना वाणी, अपना आचरण, अपना विचार, वो क्या कर, उन्हें मन कर और आनंद ले। तो संग्रह ये कह रहे हैं, ना संग्रह जगतोपि दृष्टः, उस ज्ञानी के लिए जगत की वस्तुओं का संग्रह नहीं देखा जाता है, और देखा जाता भी है तो भी वे वस्तु धरती के ऊपर धरी है और अज्ञानी की खोपड़ी में धरी है। अज्ञानी की कहाँ धरी है? खोपड़ी में। और अज्ञानी की कहाँ धरी है? धरती पे। जहाँ रहने चाहिए वहां रहे, हम जूते हैं, जहाँ रहने चाहिए वहां रहे, तो क्या दिक्कत है? नहीं होने चाहिए जूते? क्या नहीं, जूते नहीं होने चाहिए? साधु का मतलब जो जूते ना पहने, और जो जूते पहने इसका मतलब वो साधु नहीं है। नहीं, साधु का मतलब है उसके पैर में कांटे चुभे होने चाहिए, उसके पैर फटे हुए होने चाहिए, ठीक है ना, और उसके पैर जो है वो बिल्कुल नीचे से क्या होने चाहिए, नंगा पैर रहने की वजह से क्या होने चाहिए, खूब मोटा मोटा हो जाता है ना, कठोर हो जाता है, वैसे होने चाहिए, क्यों इंसान नहीं है वो है? जूते पहन लेगा तो अज्ञानी हो जाएगा, क्यों जी? तो ये कोई बात नहीं, संग्रह या विग्रह दोनों ही मिथ्या है, दोनों ही क्या है, दोनों मिथ्या। हाँ, तो अज्ञानी के तो खोपड़ी में रखे रहते हैं सब कुछ, और ज्ञानी का जहां रहना चाहिए वहां रह रहा है सब। धरती जहां रहनी चाहिए वहां रखी है, जूते चप्पल जहां होने चाहिए वहां रखे हुए हैं, राशन पानी परिवारजन स्वजन प्रेमीजन जहां रहने चाहिए वहां रह रहे, और अज्ञानी कहां धरता है सब कुछ, खोपड़ी से। हाँ, इसलिए बेचारा न नींद आती है न शांति है, दुखी रहता है, और ज्ञानी नीचे धरा रहता है, आराम से सोता है, जैसे हमारे रमेश है कहीं भी मिल जाए और सोने एक सेकंड में सो लेते हैं। हाँ, कहीं जो है ये खाते खाते भी सो लेते होंगे शायद। हाँ, कई लोगों को मैंने देखा। अच्छा जी, तत्रानुवृत्ति यदि चेन मृषार्थे, अब सावधान कर रहे हैं, यदि मृषार्थे, यदि मिथ्या पदार्थों में अनुवृत्ति यदि चेद, यदि फिर भी उसकी पहले के समान ही सत्यत्व बुद्धि मान करके प्रवृत्ति बनी हुई है, तो यदि मृषार्थे अनुवृत्ति चेद, मिथ्या पदार्थों में यदि अभी भी उसकी वृत्ति बनी, प्रवृत्ति बनी हुई है, इसका मतलब वो जगा नहीं है। ना निद्राया मुक्तः इति इष्यते ध्रुवम्, ये निश्चित बात है, अभी नींद उसकी टूटी नहीं। नहीं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, स्वप्न देखते हैं, क्या देखते हैं, बच्चा स्वप्न देख रहा है, और प्रातःकाल का समय परिवार वाले घर वाले क्या उसको जगाते हैं कि भाई विद्यालय जाना है, लेकिन बालक को तो नींद, हाँ नींद से उठना भी एक बहुत बड़ी बात है, बच्चों के लिए तो है ही, हम बड़ों का पता नहीं है, बड़ों के लिए भी है क्या? नहीं, बड़ों के लिए तो नहीं होता होगा, लेकिन बच्चों के लिए नींद से उठना,
उठना जगना जगाना बहुत बहुत बड़ी बात है। हमें भी कुछ कुछ स्मरण होता है। नींद क्या होती इतनी प्यारी होती है ना, इतनी गाढ़ी होती है, इतनी आनंददायक होती है। तो स्वप्न देख रहा है बालक, और इसी बीच परिवार वाले माता उसको क्या करती है, जगाती है, और वो फिर भी नहीं जगना चाहता है। स्वप्न दिख रहा था और फिर उस स्वप्न को क्या करता है, कंटिन्यू करता है बीच में। अच्छा सपना तो कंटिन्यू करना, कंटिन्यू करता है ना वो, कंटिन्यू होता है या करता है पता नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि अभी वो नींद से, यदि स्वप्न का ही विचार चल रहा है या स्वप्न की वो फिल्म आगे बढ़ रही है, इसका मतलब अभी है ना, क्योंकि जगने के पश्चात स्वप्न के जो कुछ भी परिस्थिति थी, पदार्थ थे, उनको लेकर के चिंता चिंतन विचार होगा, प्रबुद्ध व्यक्ति नहीं करेगा। प्रबुद्ध व्यक्ति जगा हुआ व्यक्ति नहीं करता है। तो कहते हैं ना निद्राया मुक्ता इति श्यते ध्रुवम। यदि मिथ्या पदार्थों में प्रवृत्ति बनी हुई है तो निश्चित रूप से अभी नींद टूटी नहीं है, अभी नींद में ही है, अभी नींद में ही है। नींद में जवाब दे रहा है, नींद में ही चल रहा है, नींद में ही बोल रहा है, होता है ना। हाँ, नींद में खाते भी है, वो होता है ना जन्माष्टमी व्रत, रात के 12 बजे पेड़े, हाँ, और कलाकंद रात के 12 बजे खाते ना, घिया लोज दूध और भी मिठाइयां खाते हैं। कब? 12 बजे रात को। हाँ, अब बच्चे भी कह देते कि हमें भी जगा देना। अब दो चीज हो गई, एक तो नींद, एक तरफ नींद इतनी प्यारी और दूसरी तरफ मिठाई इतनी प्यारी है ना। लेकिन बाजी कौन जीतती है? बाजी तो नींद ही जीतती है, हैं? लेकिन फिर भी जबरदस्ती बैठा देते हैं। अब बालक खा भी रहा है लेकिन वो है कहाँ, नींद में होता है ना, नहीं होता है। हाँ, ये स्वाद भी पता है आप लोगों को, नहीं पता है? हम लोगों को भी कुछ कुछ पता है स्वाद का। हाँ, तो यदि मिथ्या पदार्थों में प्रवृत्ति बनी हुई है, स्वप्न जो देखा है अभी भी उसका चिंतन बना हुआ है, स्वप्न दृश्य बने हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, अभी नींद टूटी नहीं है। तो ज्ञानी के लिए भी बताएंगे, आगे समझा रहे हैं, तो आगे वाला श्लोक देख लीजिए। ये तो स्पष्ट हो गया ना, मिथ्या पदार्थों के सिद्ध करने की इच्छा उसको नहीं है, संग्रह का कोई भाव नहीं है। संग्रह क्या करे, किस लिए करे, किस लिए करे, तो संग्रह करने का कोई भाव नहीं है। और कहते हैं यदि फिर भी मिथ्या पदार्थों में प्रवृत्ति बनी हुई है तो इसका मतलब नींद से जगा नहीं है, इसका मतलब उसको बोध हुआ नहीं है, इसका मतलब वो जगत उसके लिए मिथ्या हुआ नहीं। तो इसी बात को बताने के लिए 458 वा श्लोक आप लोग देखिए। तद्वत् परे ब्रह्मणि वर्तमानः सदात्मना तिष्ठति नान्यदीक्षते स्मृतिर्यथा स्वप्न विलोकितार्थे तथा विदः प्राशनमोचनादौ। तद्वत् परे ब्रह्मणि वर्तमानः सदात्मना तिष्ठति न अन्यद ईक्षते स्मृति यथा
स्वप्न विलोकितार्थे तथा विदः राशन मोचनादौ तदवत्। इसी प्रकार से, किस प्रकार से, किस प्रकार से, हाँ, यदि मिथ्या पदार्थों में स्वप्न स्वाप्निक पदार्थों में प्रवृत्ति बनी हुई है, बैठा हुआ है, लेटा हुआ था, क्या हो गया, बैठ गया, लेकिन उसके पश्चात भी स्वप्न के दृश्य को सत्य मान करके उसका विचार कर रहा है, इसका मतलब अभी नींद नहीं खुली है, लेटा था, स्वप्न देख रहा था, जगा दिया गया, क्या हो गया, बैठ गया, लेकिन उसके पश्चात भी क्या चल रहा है, हाँ, वही जो ट्रक आ गया, उस ट्रक का, तो ट्रक में इतना सामान भरा हुआ है, उसका मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, जो स्वप्न देख रहा था जगने बैठ गया है, लेकिन अभी भी क्या है, तो इसका मतलब अभी नींद टूटी नहीं है। इसी प्रकार से क्या कहते, परे ब्रह्मणि वर्तमान, जो क्या है, पर ब्रह्म में वर्तमान है, कहां पर वर्तमान है, जिसका चित्त कहां ठहरा हुआ है, वृत्ति कहां टिकी हुई है, कहां जगी हुई है, परे ब्रह्मणि, मैं पर ब्रह्म, कहां वर्तमान है, है ना, जैसे संसारी संसार में वर्तमान है, देह में वर्तमान है, हैं, और ज्ञानी कहां वर्तमान है, ब्रह्म में, पर ब्रह्म में, कि मैं पर ब्रह्म, ऐसे पर ब्रह्म में वर्तमान है, सदात्मना तिष्ठति नान्यदीक्षते, सदा आत्मना तिष्ठति, आत्म भाव से ही विराजमान, सदा क्या है, आत्म भाव से विराजमान है, नान्य देखते और अन्य को कुछ भी नहीं देखता है, अन्य दृश्य द्वैत को नहीं देखता है, जो सदा पर ब्रह्म में वर्तमान है और सदात्मना तिष्ठति, मैं आत्मा ब्रह्म इस प्रकार से विराजमान, इस प्रकार से जो विद्यमान है, तो उसके लिए कहते हैं स्मृति यथा स्वप्न विलोकितार्थे, जैसे स्वप्न देखा, दृष्टांत क्या बनता है, स्वप्न बनता है, दृष्टांत क्या बनता है, जगत के मिथ्यात्व में, और इस यदि स्वप्न ना हो ना, तो वेदांत दर्शन का जो सिद्धांत है वो सिद्ध नहीं किया जा सकता, सिद्ध नहीं किया जा सकता, ये जो आप सुन रहे हो ना, जो मिथ्या कह दिया ना, ब्रह्म सत्यम, तो जगत मिथ्यात्व तो सिद्ध नहीं हो सकता, अब जगत मिथ्यात्व तो सिद्ध नहीं होगा तो द्वैत दृश्य खड़ा रहेगा, तो अद्वितीय जो ब्रह्म है वो सिद्ध हो पाएगा क्या, ये दृष्टांत बनता है, स्वप्न ही दृष्टांत बनता है, तो बड़ा विचार है, मांडुक्य कारिका में तो वो प्रसंग ही है, एक प्रकरण है पूरा, वैतथ्य प्रकरण, पहला ही प्रकरण, दूसरा प्रकरण है वैतथ्य प्रकरण, पहला है आगम, उसके बाद वैतथ्य, उसके पश्चात अद्वैताख्य, और उसके पश्चात अलात शांति, ये चार प्रकरण है मांडुक्य कारिका, तो वैतथ्य प्रकरण में जगत मिथ्यात्व को स्वप्न दृष्टांत लेकर के विभिन्न युक्तियों के द्वारा
ऐसा सिद्ध कर देते हैं कि आपको आप बड़ी विचित्र स्थिति हो जाएगी आपकी हैं? क्या सच मान रहे हो, सच नहीं मान सकते, झूठा माना नहीं जाता, माना नहीं जाएगा, कैसा होगा? है संस्कार तो क्या है, सत्य है, है? और वो पढ़ लोगे सुन लोगे तो उसमें क्या है, मिथ्या 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 इस तरह से युक्तियों से सिद्ध कर देंगे तो बिल्कुल जचेगा, तो समस्या हो जाएगी है? पुराने संस्कार अभ्यास स्मृति वो क्या कहती है, सत्य है, और ज्ञान क्या हो गया, मिथ्या ज्ञान ले गए। जैसे ठाकुर जी रोज सपना देखते हैं तो मालूम है कि सपने में कुछ भी नहीं था तो भी इतना सफल गया है, तो वो तो समझ गए ना आप लोग। लेकिन तो भी हम कभी जाकर कुछ सत्य मानते रहते हैं, दोनों ही बात अब भी तो वही आपकी स्थिति वही तो है, सुनते ये हो और मानते वही हो, है ना? तो ऐसा है, तो देखो क्या कहते हैं, स्वप्न विलोकितार्थे स्मृति यथा, स्वप्न देखा और जग गई उसके पश्चात भी स्वप्न के दृश्य की क्या बनी रहती है, स्मृति बनी रहती है ना, क्या बनी रहती है, यहाँ मैं भाई जंगल दिखा उसमें मैं टहल रहा था, मेरे पीछे शेर पड़ गया, मैं कुएं में गिर गया, वहां पर बहुत भयानक काले काले सर्प थे, वो सब की जो जो देखा है उन सब की क्या रहती है, स्मृति रहती है ना। हाँ, तो इसी बात को कह रहे हैं कि जैसे स्वप्न से जगने के पश्चात भी स्वप्न के दृश्य पदार्थों की स्मृति रहती है, इसी प्रकार से इस मिथ्या जगत द्वैत से जग गया है अपने स्वरूप में, उसके पश्चात भी भोजन आदि के लिए इसकी इतनी स्मृति बनी रहती है ज्ञानी को। क्या बोला है, तथा विदः प्राशन मोचनादौ, इसी प्रकार से ज्ञानी को प्राशन माने भोजन, मोचनादौ माने जो कुछ त्याग ग्रहण, उन सब की क्या बनी रहती है, स्मृति संस्कार अभ्यास बना रहता है। दृष्टांत समझ गए? हाँ जी, क्या बताया, सपने से बना रहता है। हाँ, स्वप्न से जगने के पश्चात भी स्वप्न के दृश्य पदार्थों की स्मृति रहती है, ये स्वप्न देखा मैंने, वैसे ही जो अपने स्वरूप में जग गए, क्या हुआ, अपने स्वरूप में जग गया तो फिर उसके पश्चात भी जगत की जो दृश्य पदार्थ है, जो कर्म क्रिया व्यवहार है, उन सब की स्मृति बनी रहती है और उसी स्मृति से व्यवहार चलता रहता है, है ना। देखो मरण मूर्छा बोलते हैं, मरण मूर्छा जानते हो, जब ये जीव का शरीर छूटता है वर्तमान शरीर, तब इस प्रकार ये मूर्छित होता है, मृत्यु से ऐसा मूर्छित होता है कि सब स्मृतियां भूल जाता है और यहाँ की स्मृति भूलता है और नई जगह यात्रा शुरू हो जाती है, जिस भी शरीर को धारण करना है उसी शरीर के लिए चल पड़ता है, ऐसा मरण मूर्छा होती है, भूल जाता है। वैसे ही कभी कभी थोड़ा किसी को याद उसी समय हो जाती है, जैसे जैसे जिसके कर्म है प्रारब्ध है उसी के अनुसार, किसी को तुरंत हो जाती है, किसी को दो चार दिन लगते होंगे, वो विचार उनसे गरुड़ पुराण वालों से पूछते हैं, फिर पुराण लिखा होगा, ठीक है ना।
अलग अलग है, वो तो के तुरंत शरीर मिलते हुए देखे जाते हैं, वो कहते हैं मैं वहां था, वो तो कुछ पश्चात देखे जाते हैं। तो बता तो दिया है गीता जी में या उपनिषदों में, किसी का तुरंत जन्म होता है, किसी का जो है वो उत्तम लोकों में है रह करके वहां पर जो है दिव्य भोग भोग करके उसके पश्चात आता है, सब कुछ तो बताया। तो ये देखो कि क्या होती है, जैसे भूल जाता है ना सब कुछ, और फिर जैसे आप ये देखो बछड़ा है, गाय का बछड़ा है, अभी पैदा हुआ है, भूख लगी है तो माता के वो है ना, तो उसको क्या है वो संस्कार है ना, वो संस्कार वो नहीं भूला है या भूल गया, और संस्कार तो इसके चित्त में संग्रहित ही तो है, बस उसको जैसे जैसी परिस्थिति मिलती है पुस्तक आदि से लोगों को देख देख करके, यदि लोगों को ना देखे कोई जंगल में रहे तो कितना जंगली होगा वो, आप ये देखो, मतलब हम लोग पुस्तकों से या उनसे इतना नहीं सीखते पढ़ करके जितना देख करके सीखते, देख करके ही सीख रहे हैं कैसे खाना, कैसे बैठना, कैसे नहाना धोना, ये सब देख करके तो सीखे हैं। कोई अकेले को छोड़ दो जंगल में तब आप देखना हो कैसे आदि मानव हो जाते बिल्कुल जंगली, तो आप समाज में रह रहे पर स्वाभाविक रूप से बहुत कुछ सीख गए, बड़े प्रबुद्ध हो गए हैं। हाँ तो वैसे ही है, वैसे ही वो संस्कार प्रकट होते रहते हैं, संस्कार प्रकट होते हैं। तो यहां पर भी यही बताया है कि जिसके लिए जगत मिथ्या हो गया और जो अपने स्वरूप में जग गया है, परब्रह्म में आत्म रूप से जो विराजमान है, लेकिन फिर भी जगत में उसका भोजन त्याग ग्रहण आदि समस्त व्यवहार चलता है। कैसे चलता है कि जैसे जगे हुए व्यक्ति का, स्वप्न से जगे हुए व्यक्ति का स्वप्न के पदार्थों की स्मृति बनी रहती है, वैसे ज्ञानी का भी व्यवहार चलता है, बना रहता है। कब तक? जब तक प्रारब्ध है, जब तक प्रारब्ध है तब तक उपाधियों में देखो अपने अपने उपाधियों गुण धर्म होता है ना, नहीं होता है, लोहे का अलग है, चुम्बक का अलग है, और पानी का अलग है, अग्नि का अलग है, तो क्या उनमें कोई चेतन है? उपाधि है ना, जड़ है, जो पंचभूत है उनका कार्य है, सबका क्या है अपना अपना गुण धर्म स्वभाव अलग अलग है ना सबका, कोई ठोस है, कोई क्या है द्रव है, कोई गैस है, है ना, कोई सुगंध है, दुर्गंध है, सबका क्या है अपने अपने गुण धर्म है ना उनके, तो वैसी उपाधियों का अपना अपना तो चलता रहता है। जैसे ये शरीर का ही है जन्म और उसके पश्चात बढ़ना और उसके पश्चात चलता है, चलता है, क्योंकि यानी कि बढ़ता ही बढ़ता रहेगा, क्योंकि हमारे भगवान तो सदा जवान ही रहेंगे, बूढ़े नहीं होंगे, बूढ़े हो गए तो फिर गड़बड़, लेकिन शरीर तो क्या होता है बढ़ेगा तो फिर, और जन्म हुआ है और मृत्यु चलेगा ही ना, तो वैसे ही ये तो अपना जैसे शरीर का ये गुण धर्म है, तो वैसी अंतःकरण का गुण धर्म है, वैसी इंद्रियों का गुण धर्म है, तो वो सब होता रहेगा। लेकिन ज्ञानी जो है, अब जैसे भूख लगती है आपको, भूख लगाने के लिए आप क्या प्रयास करते हो, करना तो आपको चाहते हैं क्या जी, हम तो लेटे रहते हैं, तो जो लेटा हुआ है उसको भी क्या लगती है, लगती नहीं लगती है, कैसे लगती है अपने आप, क्योंकि जो जब तक प्राणों का संचरण रहेगा तब तक भूख
लगेगी लगी, जब जहां हवा पहुंचेगी तो वहां क्या होगा, भूख लगेगी ना। हाँ बिल्कुल, प्राण निरुद्ध कर देगा तो फिर प्राणायाम करके प्राण निरुद्ध कर देते फिर भूख नहीं लगेगी। अंदर वो पाचन शक्ति चलेगी नहीं, मशीन नहीं चलेगी ना। हाँ मशीन को क्या चाहिए, हवा चाहिए। अब दीपक जल रहा है, कब तक जल रहा है, जब तक उसको हवा मिल रही है। और यदि उसको हवा ना मिले तो दीपक वैसे ही है, ये प्राणों से ही है, प्राणों से ही ये पाचन क्रिया और बाकी सब चल रहे हैं, नहीं तो सब रुक जाएंगे। तो वैसे ही है ये, अपने अपने स्वभाव, अपने स्वाभाविक चल रहे हैं। सबको भूख लगती है तो वैसे ही ज्ञानी को भी लगती रहेगी, क्या होती रहेगी, ज्ञानी के भी शरीर को। तो कहते हैं ना प्राशन मोचना, तो सब होता रहे, लेकिन अज्ञानी सत्य मानता है, राग द्वेष करके बंधता है, और ज्ञानी सत्य ना मान के राग द्वेष नहीं करता है, और इसलिए इनके फल से बंधता नहीं है, निरंतर मुक्त रहता है। क्या रहता है, निरंतर मुक्त रहता है। तो ये बात समझिए आप, स्पष्ट हो गया, ये समय भी आपका हो गया, आगे वाला क्या बताया आपको, समय हो गया है आज इतना ही रख लीजिए। ये प्रारब्ध का ही विचार उसी को समझा रहे हैं, प्रारब्ध की ही व्यवस्था दे रहे हैं जीवन मुक्त ज्ञानी के लिए, किस प्रकार से प्रारब्ध कर्म कार्य करता है, किस प्रकार से उसको शरीर का निर्वाह होता है, किस प्रकार से प्रारब्ध उसके कर्मों का फल उसको देता है उपाधि को। तो ये सब बातों का विचार चल रहा है, ये आपको बताया, और अभी आगे भी आप लोग सुनेंगे किस प्रकार से प्रारब्ध किसका है। तो प्रारब्ध उपाधि, आत्मा का नहीं, प्रारब्ध नहीं है, इस बात को कल बताएंगे। ओ